यहाँ पर भविष्यवाणियाँ जो हो रही हैं पता नहीं किस तरीके की हो रही हैं, लोगों के जीवन को लेकर हो रही हैं, उनके घरों को लेकर हो रही हैं, उनकी चीज़ों को लेकर हो रही हैं। ये बहुत सी ऐसी जो झूठी शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड में हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। हम सीख रहे हैं पिरगमुन की कलीसिया का, यह आज 5वां भाग है। और पिछले संदेश में हमने पिरगमुन की कलीसिया के 2 पॉइंट्स के विषय में सीखा था, और 2 पॉइंट्स के विषय में सीखा था पिरगमुन के दूत के काम को वह जानता है और उसके कामों की प्रशंसा करता है। आज हम पिरगमुन के आगे के जो पॉइंट्स हैं उसके विषय में सीखेंगे। मगर इससे पहले कि हम पिरगमुन की कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 12 पद से लेकर 17 पद तक आप निकाल के रखिए और देखते रहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। आज जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो पॉइंट 8 है, मसीह द्वारा उसके काम की निंदा करना। निंदा करना यानी झड़कना उसको। मगर पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं कि निंदा क्या हो रही है और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है पिरगमुन के दूत की निंदा कर रहा है, क्यों निंदा कर रहा है, किन कामों की निंदा कर रहा है। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, जो पिरगमुन की कलीसिया का जो दूत है, परमेश्वर क्यों उससे खुश नहीं है, क्यों कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में ये बात करनी है। अब वो 2 चीजें हैं, देखिए यहां पर 2 शिक्षाओं की बात हो रही है। एक तो विलाम की शिक्षा, आप अगर गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे तो सब लोग, बहुत से लोग विलाम की शिक्षा के बारे में जानते हैं कि बालक जो राजा था उसने विलाम को बुलाया, क्योंकि विलाम जो कुछ भी कहता था वो उसके ऊपर, दूसरों के ऊपर पूरा उतर जाता था, या श्राप देता था तो लोगों के ऊपर वो श्राप उतर जाता था, आशीष देता था तो आशीष उतर जाती थी। ये विलाम के अंदर ये खूबी थी, और इसलिए बालक ने जब विलाम के बारे में सुना तो इसराइलियों को, अच्छा इसराइलियों को क्यों वो श्राप देना चाहता था, इसलिए क्योंकि इसराइली बहुत बढ़ गए थे और बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से बालक को ये डर बना हुआ था कि ये इसराइली कहीं हमें अपना गुलाम ना बना ले और हमें अपने अधीन करके और हमारा राजा पद या हमारा राज्य ना छीन ले। इस वजह से वो ये चाहता था कि इसराइलियों को मैं, क्योंकि वो सामना नहीं कर पाता था, क्योंकि वो डरता था उनके उनसे, क्योंकि वो इतने संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए उसने विलाम को बुलाया ताकि विलाम जो है वो उनको श्राप दे और वो श्रापित हो जाए, और श्राप करके उनके बीच में श्राप आ जाए और वो उस श्राप के कारण नष्ट हो जाए, मर जाए, या उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए। विलाम जो है ऐसी शिक्षाओं को, आज भी बहुत से मसीह लोग ऐसी शिक्षाओं को मानते हैं, और दूसरों को श्राप देना, किसी को कुछ कह देना, या किसी को नाश करने के लिए टोना टुटका, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। परंतु परमेश्वर इन बातों से नाराज होता है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि पिरगमुन की कलीसिया के अंदर जो है दूत को वो ये कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है, क्योंकि ऐसी शिक्षा के लोग हो गए हैं कि जादू टोना करना, ये करना, श्राप देना और दूसरे के बारे में बुरा सोचना। परमेश्वर ये नहीं चाहता है किसी से, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को श्राप दें। इसलिए वो कहता है कि विलाम की जो शिक्षा है वो तेरे लोगों में जो है वो पाई जाती है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कहता है। फिर दूसरा जो यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम विलाम की शिक्षा के बारे में बात कर लें, जिसने बालक को इसराइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और वे मूर्ति की चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। ये जो थी ये बातें उनके जीवन में थी। इसको पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है व्यभिचार और मूर्ति पूजा से खासतौर। आप निकाल सकते हैं गिनती की पुस्तक
उसका 25 अध्याय और 1-5 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, इजरायली सित्तिम में रहते थे और वे लोग मुआवी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है, चौथा पद में फिर से रिपीट करो, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। प्रधानों को, यानी जो अधिकारी हैं, जो दूत हैं, जो संदेशवाहक हैं, जो परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं या कह रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। और यहां पर जो है दूत को के विरोध में बात कर रहा है प्रभु पिरगमुन की कलीसिया के, क्योंकि अगर एक दूत के द्वारा, एक संदेशवाहक के द्वारा, एक पास्टर के द्वारा, एक प्रीचर के द्वारा जो प्रीच कर रहा है, अगर गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है और लोगों का आत्मिक जीवन खत्म होता है, तो उसका जिम्मेदार वो दूत होता है, उसके और उस दूत को जो है परमेश्वर दंड देने का वायदा करता है कि भाई मैं उसको दंड दूंगा। और परमेश्वर यहां पर इसलिए क्रोधित हो रहा है क्योंकि इज़राइल के अंदर ये सारी चीजें जो थी, बाल की जो थी, सारी चीजें आ गई थी, और परमेश्वर बहुत जो था इन बातों से नाराज था, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें हो। दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे निलकियों की शिक्षा के बारे में, इफिसुस के संदेश में हमने जो है प्रकाशित वाक्य 2:6 में निलकियों की शिक्षा के बारे में सीखा था। निलकियों का एक ये संप्रदाय है, लोग थे जिसमें अव्यवस्था का प्रचलन था, जो गलत शिक्षा और झूठी शान पर आधारित था। बहुत से लोग जो हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय और 1-7 तक पढ़ेंगे, तो जो 7 सुनामी लोग चुने गए थे जिसमें से स्तेफनुस भी था, और उसमें एक व्यक्ति और था जिसको निकोलस कहा गया है, निकोलस का नाम था, वो भी व्यक्ति था। तो बहुत से लोगों का मानना है कि निकोलस जो था वो झूठी शिक्षा और झूठी शिक्षाओं पर आधारित होकर लोगों को शिक्षा देने लगा था, गलत शिक्षा देने लगा था, झूठी शिक्षा देने लगा था। इसलिए ये जो वंशज हैं वो उस निकोलस के हैं जो उन 7 सुनामी लोगों में, जो पवित्र लोगों में चुना गया था, और जिसको पवित्र आत्मा ने चुना था, और जिसका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ था, ऐसे लोगों की धारणा है। परंतु ये चीज गलत है, जो भी अगर इस बात को कहता है कि ये वो निकोलस है, ये उस निकोलस के लोग हैं और जिन्होंने उसकी शिक्षा को माना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पता नहीं कहां से लोग इस थ्योरी को निकाल के लाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, देखिए एक चीज ये चीज है कि वो 7 सुनामी, यानी उनका नाम बहुत अच्छा था उन 7 लोगों का, और पवित्र आत्मा ने उनको अलग किया था एक विशेष काम के लिए कि वो लोगों की देखभाल करें। और दूसरी चीज क्या था, जब पवित्र आत्मा से अभिषेक था तो कहीं पर भी ये नहीं आया है कि उसने कुछ गलत कहा या गलत करा, परंतु वो 7ों का जो है प्रेरितों के काम में आप देखेंगे वो प्रभु की सेवकाई करते रहे और किस तरीके से उन्होंने प्रभु की सेवकाई करी। दूसरी चीज, जब आप एक एशिया के बिशप के बारे में जानते हैं जिसे सेंटा क्लॉज भी कहा गया है, जिसे सेंटा क्लॉज, उसे उसका नाम भी निकोलस था, वो भी नहीं था। और जब हम बात करते हैं फ्रांस के 2 राजाओं के बारे में, हमने सीखा था पिछले संदेश में, जिनका नाम निकोलस था, इनमें से भी किसी का भी संबंध जो था निलकियों की शिक्षा से या निलकियों के लोगों से नहीं था। ये गलत शिक्षा पर जो था ये आधारित है, और ये हमें समझना है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान करना है कि हम गलत शिक्षा में तो नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसी ही बातें घुमा फिरा कर जो होती हैं, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे बाइबल से संबंधित हो, लोग हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाकर खड़ा करते हैं। और शैतान यही चाहता है, जब हम परमेश्वर के वचन से दूर खड़े होकर बात करते हैं तो वो हंसता है, तो वो क्यों, वो इसलिए हंसता है क्योंकि कहता, देखो मैं विजय हो गया, मैंने इसको परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से बिल्कुल दूर खड़ा कर दिया। और इजरायली लोगों को के साथ जब ऐसा हुआ तो शैतान बहुत खुश था, परंतु परमेश्वर ने दंड दिया ताकि दूसरे लोग, परमेश्वर क्यों दंड देता है, परमेश्वर इसलिए दंड करता है क्योंकि वो न्याय करता परमेश्वर है, ताकि दूसरे लोग सबक ले सके, सीख सके और उस शिक्षा को मान सके।
अब हम बात करेंगे इसके 9 और 10 पॉइंट के। मसीह द्वारा दूत को सहमति देना और मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना, ये इसका जो है 16वां पद जो है हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब यहां पर दोनों बातें हैं, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट लिए हैं। एक तो वो सहमति दे रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहा है। परमेश्वर का वचन जो है, मन फिराना जो है, मन फिराने का मतलब है वो क्या कह रहा है, वो आपको क्या सहमति दे रहा है आपको कि आप मन फिराइए। मन फिराने का मतलब क्या होता है, मन फिराने का मतलब होता है कि हम गलत कामों से और दूर हो जाएं, अपने गलत कामों से अपने आप को हटा लें, या गलत मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो उस गलत मार्ग से लौटकर हम सही मार्ग पर चलें और सही शिक्षा को प्राप्त करें और पाप की ओर ना बढ़े, बुराई की ओर ना बढ़े, बल्कि भलाई की ओर और आत्मिकता और धार्मिकता के कामों की ओर बढ़े, अच्छाई की ओर बढ़े। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है, इससे कहता है, यानी बुराई से मन फिराना, पाप से मन फिराना जो होता है उसको मन फिराना कहते हैं। मन फिराने का मतलब, बहुत से लोगों ने मन फिराने का मतलब ये समझ लिया है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं होता ये, मन फिराने का मतलब होता है कि जो गलत चीज है, गलत शिक्षा है, या झूठी बातें हैं, या सांसारिक बातें हैं, या बेकार की चीजें हैं, जिससे हमारी आत्मिकता पर असर पड़ता है, जिससे हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध खराब होते हैं, उन बातों को अपने जीवन से दूर करना मन फिराना होता है। और यही मन फिराने की जो बात है वो समझने की बात है। फिर क्या कहता है, नहीं तो तेरे पास आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम ये समझे तलवार क्या है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो तलवार का अर्थ जो दिया गया है, आप इब्रानियों 4:12 भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा अपने मुख की तलवार से, यानी अपने मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जो है मैं उनसे लड़ूंगा। लड़ने का मतलब क्या होता है, आप जब यशाया 1:18 पद पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे अर्गमनी रंग के हों चाहे लाल रंग के हों, मैं उसको हिम के समान श्वेत करूंगा, यानी धोकर शुद्ध और पवित्र करूंगा। वाद विवाद करना, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मुख की तलवार, यानी अपने वचन से जो है मैं उनसे वाद विवाद करूंगा कि तुम मेरी बात का जवाब दो इस परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो या नहीं चलते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो या नहीं करते हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को मानते हो या नहीं मानते, या विलाम की शिक्षा को मान रहे हो, या निलकयुग की शिक्षा को मान रहे हो, या इस संसार में आज जो बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं उन पर आधारित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात कहता ना, जब आप मत्ती 24 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह और झूठे शिक्षक जो हैं ये उठ खड़े हुए हैं, झूठे प्रचारक जो हैं उठ खड़े हुए हैं, और ये अपनी झूठी शिक्षाओं से और अपनी गलत शिक्षाओं से क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा कर परमेश्वर के राज से दूर ले जा रहे हैं। और यही चीज हमें सीखनी है आज उन झूठे शिक्षकों से, झूठे मसीही लोगों से, झूठे प्रेरितों से और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। पहले एक दौर था हीलर का, देखा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वो चंगाई करने वाले, सब चंगाई करने वाले, चलिए कितने चंगाई करते थे और किस किस तरीके से चंगाई का काम करने लगे थे कि हमें परमेश्वर ने चंगाई की आत्मा दी है, परमेश्वर ने चंगाई की आत्मा दी, सब चंगाई। आज की तारीख में जो है सब भविष्यवक्ता बने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी दी है और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। भैया, आप किस तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप किसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी का, जब भविष्यवक्ता होता है तो परमेश्वर उससे बात करता है, जब परमेश्वर बात करता है तो एक विशेष, किसी एक विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बात करता है, संपूर्ण समाज के लिए बात करता है, संपूर्ण लोगों के लिए बात करता है। यहाँ पर भविष्यवाणियां जो हो रही हैं, पता नहीं किस तरीके की हो रही हैं, लोगों के जीवन को लेकर हो रही हैं, उनके घरों को लेकर हो रही हैं, उनकी चीजों को लेकर हो रही हैं, ये बहुत सी ऐसी जो झूठी शिक्षाएं हैं वह है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं अपने मुख की तलवार यानी अपने वचन से उनसे वाद विवाद करूंगा और देखूंगा कि वो क्या कहता है, लड़ूंगा मैं उनसे जो है वाद विवाद करूंगा, लड़ूंगा कि मेरे वचन का जवाब दे, कि मेरे वचन में क्या ये लिखा है कि इस तरीके की भविष्यवाणी करो, क्या मेरे वचन में लिखा है कि ये शिक्षा मानो, क्या मेरे वचन में लिखा है ये? क्योंकि लोग कह रहे नहीं,
आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग सिखाते हैं, अरे 10 हुक्म नहीं, सिर्फ आप अगर एक भी हुक्म मान लेते हो तो समझो प्रभु की आशीष प्राप्त कर लेते हो। अरे 10 में से अगर 2 बातें भी मान लेते हो तो बहुत है हमारे लिए। नहीं, जब परमेश्वर ने अगर 10 बातें कही हैं तो 10 की 10 ही माननी है, उसमें से कम बढ़ नहीं करना है हमें। ये हम संसारिक लोग नहीं है कि कम बढ़ करें परमेश्वर की किसी भी बात का। वो कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना। और एक बात और भी कहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई इसमें से एक बिंदु या एक मात्रा भी घटाएगा तो उसके ऊपर परमेश्वर विपत्ति डालेगा। हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना परमेश्वर ने कहा, जितना परमेश्वर ने लिखा, जितना परमेश्वर ने वचन दिया है उतना ही हमें मानना है। अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और आज ऐसा बहुत हो रहा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने मुख की तलवार से जो है उनसे लड़ूंगा, उनसे वाद विवाद करूंगा। और जब यीशु मसीह लड़ेगा, जब यीशु मसीह वाद विवाद करेगा तो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम सही शिक्षा को और सही तरीके से अपने जीवन में प्रभु की शिक्षा को ले, ताकि प्रभु के मार्ग को प्राप्त कर सके, प्रभु के राज में प्रवेश कर सके। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।